आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो फिजिक्स का पोर्शन आया था उसको सॉल्व करते हैं, जो 2013 का है। तो आइए सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, इफ होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द पॉइंट देन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आउटसाइड द पॉइंट। तो आउटसाइड द पॉइंट क्या होती है, जीरो होती है। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, तो पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी सिमेट्री किस तरह से होती है, उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है थ्री है, पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट। तो पॉइंटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, एनर्जी फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है फोर है, बाउंड्री बाउंड्री फॉर सॉल्यूशन ऑफ, बाउंड्री कंडीशन यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ किस सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन, इनहोमोजेनियस इक्वेशन, ये होता है बोथ। डी सी इज ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर फाइव है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ई एम एस गिविन बाय। तो इंड्यूस ई एम एस की डायरेक्शन किस रूल से के तहत मालूम करते हैं, वो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर सिक्स है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एवरी सेमी कंडक्टर मटीरियल। तो सेमी कंडक्टर अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं फोर। एमसीक्यू नंबर सेवन, मिनोरिटी कैरियर आर मेनी टाइम्स एक्टिवेटेड बाय। तो मिनोरिटी कैरियर को एक्टिवेट किस तरह से किया जाता है, हीट से। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी उनको एक्स्ट्रा मिलती है तो वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, यानी वैलेंस से आउट चले जाते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है एट, कंडक्टेंस इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज, दिस इज नोन एज। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर नाइन है, थ्री डिफरेंट पॉइंट आर शोन ऑन अ डीसी लोड लाइन, अपर पॉइंट रिप्रेजेंट। तो अपर पॉइंट किसको शो करती है, सेचुरेशन पॉइंट को। सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है टेन है, द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज बेसिकली, सॉलिड स्टेट बेसिकली क्या होता है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है इलेवन है, सिग्नल वोल्टेज गेन ऑफ अ एम्पलीफायर एवी इज डिफाइंड। तो ये रेशियो होता है इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर ट्वेल्व है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो अराउंड द इलेक्ट्रॉन का कह रहा है, अगर प्रोटॉन का कहे तो भी एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन का कहे तो भी एटॉमिक नंबर। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 13 है, न्यूक्लाई ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग अ सेम जी, जी का रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन न्यूट्रॉन नंबर, इसका कॉल्ड इसको आइसोटोप्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 है, चार्ज ऑन ईच अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस चार्ज एज ऑन प्रोटॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर जो है 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मूव विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल सफ़र करता है। तो हमें पता है ये जो गामा पार्टिकल है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करता है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 16 है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लाइड ऑफ जेड एन। तो जेड एन बेसिकली होता है जिंक के लिए, तो इनमें से न्यूट्रॉन नंबर पूछ रहा है तो मालूम करना हमें बताया जो जेड एन यहाँ पे 66 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जेड एन हमें पता है एटॉमिक जिंक चार्ज नंबर जो होता है 13 होता है। तो न्यूट्रॉन नंबर मालूम करना है तो क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो न्यूट्रॉन नंबर होता है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो माइनस हमने किया तो जवाब आ जाएगा 36। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 36। तो हमारे पास ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद कुछ पार्टिकल इज कंसीडर एज आइडियल प्रोजेक्टल फॉर इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आइडियल कंडीशन कौन सा, आइडियल पार्टिकल कौन सा होता है इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड नहीं होता है, इसलिए ये आइडियल होता है न्यूट्रॉन। द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद 19 है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी इमिशन इन सन। सन के अंदर एनर्जी इमिशन का कौन सा प्रोसेस होता है, तो हमें पता है फ्यूजन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 20 है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 द रिमेनिंग दैट। तो दिस मीन
तो इन ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन सुइटेबल लग रहा है वो सी लग रहा है, लेकिन सी के आगे अगर यहाँ पे 13 लिखा होता तो करेक्ट होता, इसका नन ऑफ दीज होगा। अच्छा, ये कैसे कह रहा है, लाइफ 10 डेज है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका मतलब हुआ कि 1/2 इज इक्वल टू 10 डेज है, और उसके बाद जो है सेकेंड हाफ लाइफ यानी 2 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 20 दिन होगा, यानी 2 का पावर 2 का मतलब है 1/4 इज इक्वल टू 20 डेज, और थर्ड हाफ लाइफ जो होता है 2 पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 13 डेज, यानी 2 पावर 3 का मतलब है 1/8 इज इक्वल टू 13। तो अगर यहाँ पे सी ऑप्शन पे ये होता 1/2 विल बी लेफ्ट आफ्टर 13 डेज, तो ये सी करेक्ट होता है। यहाँ पे 14 डेज है, 14 डेज कब होगा, तब उसकी हाफ लाइफ रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 1/2 पावर 4 इज इक्वल टू 14, यानी फोर्थ हाफ लाइफ, तो इसका मतलब हुआ 1/4 का मतलब है 1/16 इज इक्वल टू 14 डेज, तो ये करेक्ट होता है, ये चौथी हाफ लाइफ है। ठीक है,